वेंकटेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद तेलंगाना से। वेंकटेश जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार नमस्कार जी। जी सर, एक्चुअली मेरा HCG है सर, 1.5 साल हो गया था। ओके। लेकिन उसका लास्ट 15 महीने से कुछ परफॉर्मेंस नहीं हुआ सर, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेयर टू ग्राफाइट इंडिया तो ये तो अच्छा है, लेकिन इसका प्राइस मूवमेंट कुछ नहीं है सर। हाँ, तो ये क्या करना है सर अभी? इंटरेस्टिंग है गावा सर, ग्रेफाइट और HEG, ये दोनों कंपनियां जो है मेटल कंपनीज के लिए, मेटल सेक्टर के लिए काम करती हैं, और एक दौर था इन दोनों में बहुत बड़ी तेज़ी बनी थी। उसके बाद ये थोड़ा से सॉफ्ट हुए, हालांकि अब भी जो है पिछले एक साल में ऊपर आए हैं थोड़ा सा, लेकिन वेंकटेश जी के प्राइस से नीचे हैं। इनका प्राइस है 1450, और अभी ग्रेफाइट ने HEG दिखाई, और HEG जो है 1250-1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये देखिए 1283। कहो सर, HEG में अगर वेंकटेश जी बने रहते, मान लीजिए रुके रहे, तो क्या इनको मुनाफा होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, बेस बना हुआ है HEG का लोअर लेवल्स में 1000 के नीचे, और अप मूव मिला है। हाँ, अब थोड़ा बेस बनते बनते कब वक्त लगता है, स्ट्रक्चर लगता है काफी गिरावट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है जगह अच्छी है बाउंस करने के लिए। जहां पर बाउंस मिला है, एक ब्रेकआउट की जरूरत है, वो 1400 के पास मिलेगा, लेकिन एक दिन का ब्रेकआउट नहीं होगा, एक हफ्ते के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। मेरे ख्याल से वले रहना चाहिए, नथिंग टू वरी, फिर एक अप मूव मिलेगा, मिलेगा जरूर, मैटर ऑफ टाइम। इतना रुके हैं और रुक लीजिए, इस स्टॉक में लॉस क्यों करना, आप होल्ड कीजिए HEG। सर मान लीजिए ये रुक जाते हैं और इनके प्राइस से ऊपर चला जाता है, 1450 से ऊपर जाता है, तो कहां तक जाएगा और जहां पे इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? 1800 पॉसिबल है। अब ट्रेड करा है 1283, मतलब 6500 रुपीज अप फ्रॉम है, 50% अप में, लेकिन उसे वक्त लगेगा। मैं हायर टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहा हूँ, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग रखकर 1-1.5 साल रख लेंगे तो मुनाफा मिलेगा। ओके, तो वेंकटेश जी इसमें आप अगर रुकेंगे तो आपको मुनाफा मिलेगा। वैसे भी इनका बिहेवियर जो है ना बड़ा हाई बीटा टाइप का है, ये दोनों HEG और ग्रेफाइट का, इवन RHI मैग्नेसीटा का, ये सब जब चलते हैं तो फिर बहुत लंबी चाल इनकी होती है। तो आपने इतना इंतजार किया, थोड़ा इंतजार करिए, और फिर जब एक बार ये ऊपर निकल जाए 1700-1800 के आसपास आए, तब इसमें से बेच के निकलिएगा। अगला सवाल है अनिल कुमार भारद्वाज का, जो नोएडा से मसाज जुड़े हैं। अनिल जी बताइए सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये ल्यूमैक्स ऑटोटेक है मेरे पास, 165 शेयर, 358 के, लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ 1 ईयर। गावा सर, एक साल के लिए ल्यूमैक्स ऑटोटेक कैसा लगता है आपको? ल्यूमैक्स में चार्ट निकाल लेता हूँ, ल्यूमैक्स ऑटो, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, ल्यूमैक्स टेक्नोलॉजी, दो है टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी। ट्रेड करा 345 रुपीज के आसपास। चार्ट तो चार्ट बढ़िया है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक होल्ड करना चाहिए, इसमें डिप्स मिलती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। मेरे ख्याल से 1-1.5-2 साल के लिए अच्छा स्टॉक, होल्ड करना चाहिए। ओके अनिल जी, होल्ड करिए 1-2 साल के लिए, अच्छा स्टॉक। राजेश गुप्ता लखनऊ से, राजेश जी बताइए। हाँ नमस्कार सर। जी सर, दो शेयर पर क्वेश्चन था। एक तो BSE लिमिटेड का सर शॉर्ट टर्म व्यू कैसा लग रहा है, और दूसरा IDFC फर्स्ट बैंक है मेरे पास 65 का 40,000, उसका 3 महीने का रिव्यू। जी गवा सर, IDFC फर्स्ट बैंक 73 पर ट्रेड कर रहा है, इन्होंने 65 पे लिया है, 3 महीने का व्यू क्या होगा इस पर? अच्छा मूव हुआ है, 7350 के आसपास 65 पे लिया हुआ है, अच्छा प्रॉफिट है। सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, प्रोटेक्शन मिलेगा जब ये 72 होल्ड करता है तो ठीक है, 72 ब्रीच हो जाता है तो घर पर ले जाएंगे पकड़। अब ट्रेड कर रहा है हाइट जोन्स पर, अपर रीजन्स में 82 के आसपास ज्यादा रेसिस्टेंस है, अगर वहां चला जाता है यहां से आपको तो वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 82 के आसपास, 80-82 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ट्रेड कर रहा है 73, 7 रुपया के लिए आप 2 रुपया का रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो इसलिए मैंने कहा 72 के आसपास स्टॉप लगाइए, अपमो मिलता है तो वेरी गुड, 80-82 के आसपास निकल जाइए। जी और गावा सर, NSE पे देखिएगा तो BSE मिलेगा, BSE पे भी इनका सवाल है। जी हाँ, मैंने निकाल रखा है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि NSE के BSE का जो चार्ट है अच्छा ही लगता है, होल्ड करना चाहिए, यहाँ पर लॉस बुक कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा रेसिस्टेंस है आगे जोन पर, लेकिन 650-700 जा सकता है। यस,
बीएससी होल्ड है। बीएससी भी होल्ड है। अच्छा गाँव सर लगे यहाँ तक अभिषेक पांडे के सवाल ले लेते हैं, क्या फेडरल बैंक पे क्या व्यू है? सॉरी आपका क्रैक हो रहा था आवाज, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक अब ध्यान आया। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक का जो चार्ट है ठीक चार्ट, कंसोलिडेशन जोन पर है, यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। ये जोन है लोअर लेवल का 123 के आसपास, अगर यहां संभल जाता है तो एक अपू मिलना चाहिए फ्रेश अप में, लेकिन अब कंसोलिडेशन जोन पर है और कभी कभी कंसोलिडेशन पर रहने को काफी वक्त लगता है, कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन अब कंसोलिडेशन जोन पर है। ओके चलिए अगला सवाल लेते हैं, मेरे साथ राहुल अग्रवाल रायगढ़ से जुड़ रहे हैं। राहुल जी नमस्कार, बताइए सर। जी सर नमस्कार सर, मेरे पास सर पहला सवाल तो अडानी ट्रांसमिशन के ऊपर है, 964 की बाइंग है, 80 शेयर्स है, और मतलब कि दिसंबर तक व्यू है, तो मतलब क्या करना चाहिए इसमें? कब सर अडानी ट्रांसमिशन है वीक, लेकिन लगता नहीं ज्यादा गिरावट है, 1000 का ये जोन है, जब ये पार कर लेगा तो अच्छा अपू मिलना चाहिए अडानी ट्रांसमिशन। 1000 का लेवल पार करे तो यस, एक पार कर ही लेगा मैटर ऑफ टाइम। ओके पार कर लेगा। दूसरा सवाल क्या राहुल आपका? मतलब इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसमें और काफी टाइम से मतलब क्या व्यू है उसमें, किसमें किसमें जी, तो अभी मतलब सही समय है कि नहीं है? राहुल सवाल में स्टॉक का नाम बोला नहीं आपने, किसमें? आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स जी जी गावा सर, आयशर मोटर्स निवेश करना चाहते हैं? कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए आयशर मोटर्स, अब थोड़ा रेट हाई है, हायर रेंज पे चल रहा है, लेकिन कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेच है, तो अगर पेन सहन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें लेना चाहिए जब वो अच्छी गिरावट है, उस दिन लेना चाहिए। अच्छा अभी साइडवेज कंसोलिडेशन पे, लेकिन बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन एक या दो साल का नजरिया होना चाहिए। मिल जाएगा तो लिया जाए, अभी क्यों लेंगे? अब ये कह रहे हैं कि टू व्हीलर ईवी भी अपने बना रहे हैं, 2026 में लॉन्च होगी, ऑन ट्रैक है, बहुत लेट है लगे ये तो। रुकिए भाई राहुल जी, जब गिरे तब लीजिएगा, अभी इतना हड़बड़ाहट में लेने की जरूरत नहीं है। ओके बिरेश्वर पॉल ने कहा है कि इन्होंने टाइटन की एक कॉल ऑप्शन खरीदी है, स्ट्राइक प्राइस 3000, भाव 12 रुपये। गवर्नर टाइटन में 3000 स्ट्राइक का ऑप्शन है कॉल का, 30 रुपए तक ये होल्ड करना चाहते हैं, मतलब 30 रुपए इनको मिलने चाहिए ऐसा इनका विश्वास है। आप ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे इतना मिलना चाहिए? मार्केट तो वही देगा जो अब मार्केट देगा, हम थोड़ी डिसाइड कर सकते, हम तो खाली लॉस ही डिसाइड कर सकते हैं कि इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा, बाकी उसके ऊपर है, हमारे ऊपर सिर्फ लॉस कंट्रोल है। प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिए, इन्होंने बहुत दूर का लिया है, ट्रेड करा 2879 पर टाइटन, इन्होंने 3000 के ऊपर का लिया है कॉल, और द मनी कॉल नहीं लेना चाहिए बस इतना कर सकता हूँ। अगर आपको मिल जाता है तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो ठेका ठेके तो होगा ही होगा। अच्छा गावा सर, जैसे आम जिंदगी में लोग लक्ष्य तय करते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, इसलिए यूपीएससी में तैयारी में लगे रहते हैं, आप कह रहे इधर टारगेट मत सेट करो, नीचे वाला स्टॉप लॉस सेट करो, बस डाउनसाइड लिमिटेड है, वो अगर हमारे कंट्रोल में है, प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमको अगर सिर्फ रिस्क कर दो, देखिए 5 चीज होती है, एक होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सेंटर, उसके बाद हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए, हो सकता है थोड़ा लॉस मिल जाए, ये पॉसिबल है मार्केट में, और चौथा है बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और दूसरा बहुत अच्छा लॉस मिल सकता है। हमको कंट्रोल क्या करना है, सिर्फ बड़ा बहुत अच्छा लॉस जो है ना वो हमको नहीं चाहिए, इसको निकाल दो, इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए की लायक बन जाए। तो मेरा मानना है ना, आई लव माय लॉसेस, टेक योर लॉसेस, छोटे छोटे लॉसेस ले लो, 100 ले लो, लेकिन ले लो, लॉस हमारे कंट्रोल में, प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में नहीं। ओके तो मार्केट का ये नियम आपने सीख लिया होगा कि लॉस कंट्रोल करना है आपको, प्रॉफिट तो अपने आप बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो ये सवाल वीरेश्वर जी आपका था, टाइटन में बहुत लालच मत करिए, पैसा बने तो निकल जाइए, बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। गावा सर कविता जी का सवाल है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स 600 रुपये पर इन्होंने ख़रीदा है, नाम बताना पड़ेगा आपको, बोरोसिल लिखिए आप सर, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, बोरोसिल रिन्यूएबल 538 वाला, यस मिल गया 538,
मेरे ख्याल से लेना चाहिए अगर किसी के पास नहीं है, है तो होल्ड करना चाहिए। जो बाउंस मिला है 400 जोन से बढ़िया मिला है, अपू मिलना चाहिए, 700 तक जाना चाहिए, बोलो से लेने हो सकता है कितना टाइम लगे कहना मुश्किल है, लेकिन यस अपू मिलना चाहिए, अपू मिलना चाहिए। राजकिशन कालरा जी सहारनपुर से जुड़ रहे हैं, राजकिशन जी बताइए। हेलो हेलो, हाँ राजकिशन जी बोलिए। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मेरे पास BEL है 1889। ओके कहाँ पर सर? दूसरा डीसी, एक दूसरा है DCW 4300 47 अप्रोक्स था 47। ठीक है गावा जी, BEL 89 पे होल्ड करना चाहिए, अगर स्टॉक चाहिए तो लगाइए 110 का बस, लेकिन होल्ड करना चाहिए। स्टॉक बढ़िया है, 140 रिसेंट हाई में देखा, वो पार कर लेगा तो और अच्छा आपको मिलेगा। ये स्टॉक होल्ड के लायक डिलीवरी बेस, तो BEL होल्ड। DCW जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस मिलता है जगह अच्छी है, 44 पे ट्रेड करा है PCW। ओके कितने मिले उन्होंने? 47 तो होल्ड कर लीजिए, 50-51 के आसपास मौका मिले तो निकल जाएगा। ठीक है 50-51 पर DCW निकलिएगा, BEL होल्ड करिए। अगला सवाल है संदीप कुमार देवघर झारखंड से। संदीप जी नमस्कार। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बताइए सर। सर मेरा न्यूरेका का 50 शेयर है सर, ₹677 के रेट पे सर, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ सर, तो इसमें व्यू दीजिए सर कुछ। गवर सर 397.75 पर ट्रेड हो रहा है न्यूरे का। संदीप कुमार जी जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहते हैं, क्या राय बनती है आपकी? 2250 देखा था हाई, फिर देखा 300 के करीब, लॉन्ग टर्म क्यों रखना है? क्योंकि एक बार इतना गिरा इसलिए वापस बाउंस मिलेगा, जैसे ऊपर जाएगा सेलिंग प्रेशर आएगा, आपको अगर प्रॉफिट मिलता तो निकल जाइए, लेकिन मुझे थोड़ा रेसिस्टेंस है आते दिनों में, ऊपर दिखेगा हो सकता है 500 भी चला जाए, लेकिन है रेसिस्टेंस, जैसे ऊपर जाएगा रेसिस्टेंस आएगा। ये अपू मिलता है बेचने के लिए, जो जो फंसे हैं वो तो निकलने की कोशिश करेंगे, उनको मौका चाहिए, तो रेसिस्टेंस तो बहुत है, हेडविंड्स बहुत है। और लेकिन इनके भाव तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, 677 में खरीदा इन्होंने, कभी कभी लॉस भी बुक कर लेना चाहिए। ओके भाई ऊपर जाए तो बेचिएगा, लॉस भी देखिए। गावा सर को स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब भी ये ऊपर जाएगा सेलिंग प्रेशर आए, क्योंकि बहुत ऊपर से नीचे गिरा है। एक ये थ्योरी बड़ी चलती बाजार में ना कि अरे ये तो बहुत गिर गया है, अब क्या इससे नीचे और गिरेगा, और नीचे गिर सकता, क्यों नहीं गिर सकता, कोई रूल थोड़ी है। तो संदीप जी आपके लिए ये राय है। किरीट ठक्कर हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से। किरीट जी बताइए। हेलो जी किरीट जी बताइए। मेरे पास पीडी लाइट के 170 शेयर है जी, और एवरेज ऑफ 1700 के भाव पर। हाँ जी 170 शेयर है, 170 शेयर है। ठीक है तो अभी मुझे क्या करना चाहिए जी डायरेक्टर? गवर्नर सर पीडी लाइट में क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में है ये, इन्होंने काफी समय से होल्ड किया है। हाँ बहुत बहुत समय से, एक्चुअली होल्ड ही करना चाहिए, ये स्टॉक बढ़िया है, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। अब ट्रेड करा है 2631, ₹3900 का, जब वो पार कर लेगा तो अच्छा आपको मिलेगा, लेकिन ये स्टॉक होल्ड के लायक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, पैसे की जरूरत नहीं तो होल्ड करते रहिए, उसमें क्या है। ओके सर, जनता की बेहद मांग पर सबसे पॉपुलर स्टॉक IEX राहुल चड्डा ने लिया है नहीं लेना चाहते शायद 153.90 पर, क्या करना चाहिए इसमें? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है तो शायद लोअर लेवल देखें, जब एक बार सेटल होने दो या फिर स्ट्रेंथ दिखाई दे, फिलहाल दोनों नहीं है मेरे से, तो अपने जो डिसीजन है बाय करने का होल्ड के लिए। ओके राहुल जी अपना आइडिया ड्रॉप करिए, मत लीजिए इसको, छोड़ दीजिए। मनोज कुमार तिवारी फजिलका पंजाब से। मनोज जी नमस्कार बताइए। नमस्कार सर जी, मेरे पास अशोक लीलैंड के 600 शेयर है, 160 रुपए के रेट पे 160, और मैंने इसको 2 साल से होल्ड किया है, बीच में काफी डाउन गया था, अभी फिर 149 तक आ गया है, तो मैं इसमें क्या करना सर ये पूछ रहा था, इसको होल्ड करें क्या?
और गावा सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, उनके कमिटमेंट, उनके डिसिप्लिन और उनके लगनशीलता का। गावा सर आपको बहुत तारीफें मिल रही हैं आपकी लगनशीलता, आपके कमिटमेंट के लिए, आपका फैन है ये तिवारी जी। अब बताइए इनकी मदद कैसे होगी, 160 पे खरीदा इन्होंने। देखिए ऐसा है कि यही हमारे व्यूअर्स हैं, ये हमको इंस्पायर करते हैं, बस इन्हीं के लिए एक है। थैंक यू वेरी मच आपका आशीर्वाद। अशोक लेलैंड 160 तक जाएगा, 170 भी जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। इस स्टॉक पे जब भी कोई डिस्क मिलती है ना, ये खरीदने का मौका मिल जाता है, खरीदना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे, इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है अशोक लेलैंड का, डिप्स बायबल है। घबराना इस स्टॉक में नहीं चाहिए, घबराना इस स्टॉक में नहीं चाहिए। गाबा जी ये जो अशोक लेलैंड है ना तिवारी जी, बहुत क्लासिक केस में फंसे हैं। ये स्टॉक जो है इसकी जो अभी की रेंज है वो 110-15 से लेकर के 155-60 तक की है, और ये उसी के अपर बैंड में जाके फंस गए हैं। इससे पहले इसकी रेंज थी 130 से 90 की, तो वो ब्रेक करके अभी 160 पहुंच गया है। 160 पे कंसिस्टेंटली रुक के अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तब तो आप उम्मीद करिए, वरना ये आपको बहुत परेशान करेगा। हालांकि आज एक रिपोर्ट आई जिसमें 200 रुपये के टारगेट दिए गए हैं इसको, अशोक लेलैंड को, और मानना है कि सीवी साइकिल पलटरा चलेगा। तो तिवारी बहुत केयरफुली रखिए, क्योंकि बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है कि एकदम अपर बैंड जो इसकी रेंज की है उस पर आ जाके आपने लिया है। तो अगर 160 के ऊपर जाए तो एक बार मेरी सलाह भी होगी कि आप फंडामेंटली से थोड़ा दूर रहिएगा, जब दोबारा अपनी ये रेंज ब्रेक करेगा तब इसमें एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान करता है स्टॉक, बहुत सिंपल सा फार्मूला है इसका। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ, और दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे तो आपके साथ होंगी हर्षदा खिलाड़ियों के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।